नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्साइन स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का वनडे सीरीज जारी है। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई थी, वहां भारतीय टीम ने जीत दर्ज किया। जब ऑस्ट्रेलिया भारत के दौरे पर आई तो भारतीय टीम को शुरुआत में झटका जरूर लगा, लेकिन भारतीय टीम अब शानदार तरीके से वापसी कर चुकी है। ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले यहाँ पे 2-0 से भारतीय टीम को क्लीन स्वीप करके T20 सीरीज पर कब्जा किया। लेकिन भारतीय टीम ने जो अपना पहला वनडे मुकाबला खेला था, जो वर्ल्ड कप के हिसाब से अगर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप की तैयारियां करे, अपनी बेहतर टीम कॉम्बिनेशन उतारे और वर्ल्ड कप 2019 का खिताब अपने नाम करे। उसके हिसाब से ये भारत ऑस्ट्रेलिया का जो वनडे 5 मैचों का सीरीज है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस 5 वनडे सीरीज का जो महत्वपूर्ण मैच था, पहला मुकाबला जो हैदराबाद की राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया, वो भारतीय टीम ने 6 विकेट से जीत दर्ज कर लिया। वहाँ पे शानदार तरीके से महेंद्र सिंह धोनी और केदार जाधव की पार्टनरशिप दिखी। केदार जाधव ने बेहतरीन 81 रन बनाए, नबाद रहे महेंद्र सिंह धोनी, नबाद रहे। दोनों बल्लेबाजों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अंबती रायडू के आउट होने के बाद, लेकिन अंबती रायडू से जितना भरोसा था वो अंबती रायडू ने फुलफिल नहीं किया। भारतीय टीम एक बार फिर से गुच्छे में अपना विकेट गंवाया। भले ही यहाँ पे जो हम टॉप ऑर्डर के तुरंत कोलैप्स हो जाने की बात करते हैं वो देखने को नहीं मिला हो, लेकिन भारतीय टीम ने पहले वनडे मुकाबले में ही गुच्छों में विकेट जरूर गंवाया था। 80 रनों पर भारतीय टीम को दूसरा झटका लगा विराट कोहली के रूप में। विराट कोहली शानदार तरीके से खेल रहे थे, लेकिन 80 रन, जब भारतीय टीम के स्कोर 80 रन था तो वहाँ पे विराट कोहली आउट हो गए। उसके बाद रोहित शर्मा 95 रनों पे आउट हो गए, और उसके ठीक 4 रन बाद जब भारतीय टीम का स्कोर 99 था तो वहाँ पे अंबती रायडू 13 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद ये फिर से सवाल खड़ा हो गया कि भारतीय टीम अगर इस तरीके से गुच्छे में विकेट गंवाएगी तो 237 रनों के लक्ष्य का जो पीछा भारतीय टीम ने किया पहले वनडे मुकाबले में, वो भी एक समय पर मुश्किल दिख रहा था। अगर वहाँ से महेंद्र सिंह धोनी या केदार जाधव के किसी का विकेट गिरता तो भारतीय टीम के लिए मुश्किलें और बढ़ जाती। तो भारतीय टीम को भी यहाँ पे अब सोचने की ज़रूरत है कि जो मजबूती है उस पे काम करें। आप यहाँ पे कम से कम गुच्छे में विकेट ना दे किसी भी टीम को, ये भारतीय टीम के लिए नुकसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल ये है अंबती रायडू के परफॉर्मेंस की। अंबती रायडू ने 2013 में टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया था जिम्बाब्वे के खिलाफ, लेकिन 2016 तक बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन 2016 के बाद जब वो बाहर गए तो उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा फिर दोबारा टीम में वापसी करने के लिए। एशिया कप में दोबारा उनको मौका मिला 2018 में खेलने के लिए। सबसे पहला मुकाबला चलिए बता देते हैं 2018 से अब तक कैसा रहा अंबती रायडू की परफॉर्मेंस, और इसी के बिना पे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से अगर ऐसे ही परफॉर्मेंस में गिरावट देखने को मिली तो भारतीय टीम के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप के टीम के हिस्सा माने जाते रहे हैं अभी तक अंबती रायडू 4th नंबर पर महत्वपूर्ण भूमिका में है। तो बता देते हैं यहाँ पे हांगकांग में इनको मौका मिला एक बार फिर से टीम इंडिया के लिए जुड़ने के लिए, एशिया कप में मौका मिला। हांगकांग के खिलाफ पहला मैच खेला इन्होंने, 60 रनों की बेहतरीन पारी खेली। 18 सितंबर को ये मुकाबला खेला गया था। उसके बाद दूसरा मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ एक दिन बाद ही था, दुबई में खेला गया। वहाँ पे 31 रन बना के नाबाद रहे। उसके बाद तीसरे मुकाबला जो बांग्लादेश के खिलाफ था 21 सितंबर 2018 को, वहाँ पे सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हो गए। एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला था, वहाँ पे 12 रन बनाए एशिया कप में 23 सितंबर को। उसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ बेहतरीन पारी खेली, 57 रन बनाए 25 सितंबर को ये मुकाबला था। एक बार फिर बांग्लादेश के खिलाफ जब मुकाबला था 28 सितंबर को, वहाँ पे एक बार फिर से इनका बल्ला शांत रहा, सिर्फ 2 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद यहाँ पे एशिया कप खत्म हो गया था। उसके बाद इनको मौका मिला वेस्ट इंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज में, यहाँ भी परफॉर्मेंस इनका ठीक ठाक रहा। पहला मैच जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इन्होंने खेला गुवाहाटी में, ये मैच खेला गया था 21 अक्टूबर को, वहाँ पे नबाद 22 रन बनाए। दूसरा मुकाबला जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इन्होंने खेला 24 तारीख को विशाखापत्तनम में, वहाँ पे शानदार तरीके से 73 रन बनाए। तीसरा मुकाबला जो पुणे में खेला गया 27 अक्टूबर को वनडे में, वहाँ पे इन्होंने 22 रन बनाए। और चौथा मुकाबला जो मुंबई में खेला गया 29 अक्टूबर को, यहाँ पे शानदार तरीके से सेंचुरी जड़ी अंबती रायडू के बल्ले से सेंचुरी निकली, 100 रन बनाकर आउट हो गए। पांचवा मुकाबला जो त्रिवेंद्रपुरम में खेला गया था, यहाँ पे बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला। तो 4 मैच खेले, 2 एक शतक जड़ा 1 अर्धशतक जड़ा,
बाकी में इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा। वहीं उसके बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पे गए थे। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ वनडे टीम के लिए खास तौर पे अंबती रायडू चुने गए हैं, सिर्फ वनडे मैचेस खेलते हैं भारतीय टीमों के लिए, T20 में नहीं खेलते हैं। जो वन क्लास है उसमें उससे संन्यास ले लिया है वन क्लास फॉर्मेट से अंबती रायडू ने, तो ये भी सोचने वाली बात है, इस पर बाद में आएंगे। पहले बता देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में इनका प्रदर्शन कैसा रहा। 3 मैच ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम ने खेले, 2 मैचों में मौका मिला। पहले मैच में फ्लॉप रहे, जो सिडनी में खेला गया था 12 जून को, वहाँ पे सिर्फ एक भी रन नहीं निकला इनके बल्ले से, 0 पे आउट हो गए। दूसरा जो एडिलेड में खेला गया वहाँ पे 24 रन बनाए, और तीसरे मैच से ड्रॉप कर दिया गया था अंबती रायडू को जो मेलबर्न में खेला गया था। तो ऐसा रहा ऑस्ट्रेलिया में अंबती रायडू का परफॉर्मेंस। वहाँ पे जरूर स्लो पारी खेली, क्रिटिसाइज भी हुआ कि इतने लंबे समय जो अब वेस्टइंडीज के खिलाफ खेल रहे थे उसके बाद लंबे समय के बाद यहाँ पे आप बल्लेबाजी करने उतरे, बीच में कोई मैच प्रैक्टिस नहीं, इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतने को मिला। फिर उसके बाद भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से सीधे न्यूजीलैंड के सफर पर चली गई थी। वहाँ पर सबसे पहले 5 वनडे मुकाबले खेले न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने, और वहाँ पे पहले मैच में नाबाद 13 रन बनाए 23 जनवरी को जो मैच था। उसके बाद 26 जनवरी को जो मैच था न्यूजीलैंड के माउंट मंगुनी में, वहाँ पे 47 रन बनाया। फिर जो 28 जनवरी को मैच था माउंट मंगुनी में, ये न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेला गया, वहाँ पे 40 रन बनाए। और जो चौथा मुकाबला न्यूजीलैंड में खेला गया जहाँ पे भारतीय टीम 97 पे ऑल आउट हो गई थी, वहाँ पे अंबती रायडू के बल्ले से सिर्फ कोई रन नहीं निकला, 0 पे आउट हो गए। और पांचवा मुकाबला जो वेलिंगटन में खेला गया, यहाँ पे एक बार फिर से इनका बल्ला चला और 90 रन बनाए। 3 फरवरी को ये मुकाबला खेला गया, और फिर 3 फरवरी के बाद यहाँ पे मौका मिला, लंबा गैप हो गया फिर से। यहाँ पे 2 मार्च को इन्होंने अपना मैच खेला। इसके बीच उन्होंने जरूर सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में घरेलू मैच खेले हैदराबाद की टीम की तरफ से, लेकिन यहाँ पे वनडे की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हो गए। जो इस बीच उन्होंने 3 फरवरी के बाद जो मैच खेले हैं, उस 25 फरवरी को हैदराबाद और महाराष्ट्र का मुकाबला था दिल्ली में सैयद मुश्ताक अली T20 में, यहाँ पे 15 रन बनाए थे। फिर 24 फरवरी को मुकाबला था हैदराबाद बड़ौदा का, ये भी दिल्ली में मुकाबला हुआ, यहाँ पे 17 रन बनाए थे। 29 रन बनाया उत्तर प्रदेश के खिलाफ ये इन्होंने, और फिर पांडुचेरी के खिलाफ इन्होंने 6 रन बनाए। तो ये T20 में बीच में यहाँ पे जरूर ठीक ठाक प्रदर्शन रहा हम ऐसा कह सकते हैं, लेकिन जो सोचने वाली बात ये है कि अगर ऐसा ही परफॉर्मेंस चलता रहा, और जो हम लगातार बात करते आ रहे हैं कि जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करती है, अगर टॉप ऑर्डर बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करता है तो मिडिल ऑर्डर भी आके शानदार तरीके से उसके बाद बल्लेबाजी करता है, फ्लो में रहता है, लेकिन जब इंस्टेंट कोलैप्स देखने को मिलता है, जैसा कि हमने सिडनी में देखा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वहाँ पे भारतीय टीम के शुरुआत में झटके लगे थे, शिखर धवन आउट हो गए, विराट कोहली आउट हो गए, वहाँ पे अंबती रायडू भी आउट हो गए 0 रन बना के। वही एक बार फिर से दिखा न्यूजीलैंड के खिलाफ हैमिल्टन में, वहाँ भी 0 पे आउट हो गए। तो जहाँ पे जरूरत है, जहाँ पे जब टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता है जल्दी, वहाँ पे चौथे नंबर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। तो अगर वहाँ पे शानदार तरीके से बल्लेबाजी नहीं करते हो, गुच्छे में विकेट गंवाते हो, तो टीम पे जाहिर सी बात है दबाव बढ़ेगा। लेकिन एक बात और सोचने वाली है कि जो खिलाड़ी लगातार परफॉर्मेंस देता आ रहा है, अगर 2-3 मैचों को छोड़ दे तो यहाँ पे 40-50 से ज़्यादा किसी भी मैचेस में रन नहीं लगे हैं। जरूर इन्होंने वेलिंगटन में 90 रनों की बेहतरीन पारी खेली, उससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ जरूर बेहतरीन 100 रन बनाए, लेकिन बीच में जो परफॉर्मेंस आई है वहाँ पे कुछ खास कमाल देखने को नहीं मिला है। तो 4 नंबर जो सबसे क्रूशियल नंबर होता है भारतीय टीम के लिए, जहाँ पे युवराज सिंह के जाने के बाद कई दिग्गज खिलाड़ियों को टेस्ट कर लिया गया, हार्दिक पांड्या तक को यहाँ पे बल्लेबाजी करने का मौका मिला, महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, कई दिग्गज खिलाड़ियों को यहाँ पे खेलने का मौका मिला है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई है टीम इंडिया वर्ल्ड कप से पहले। अब आपके पास सिर्फ 4 मुकाबले बचे हैं, इन 4 मुकाबलों में ये टेस्ट करना होगा कि आपके पास चौथे नंबर के लिए कौन सा जो बल्लेबाज है वो सबसे उपयुक्त है। वहीं अगर हम बात करें युवराज सिंह की, तो युवराज सिंह को लेके हमेशा खबरें आती रहती हैं कि युवराज सिंह आखिर इतने लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर क्यों रहे हैं, क्या उनकी परफॉर्मेंस इतनी बेहतर नहीं है कि आपको टीम में उनको दोबारा वापस लाना चाहिए, मैच को जिताना चाहिए। और जिस तरीके से अंबती रायडू लगातार एक गिरावट इनके परफॉर्मेंस में हम देख रहे हैं, जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे खास तौर पे गिरावट होती है, तो ये सवाल खड़ा हो जाता है
कि अगर ऐसा ही सिचुएशन वर्ल्ड कप के दौरान आ जाए और जहां पे जो विपक्षी टीम है वो लगातार 350-400 के आसपास रन्स बना रही हैं और भारतीय टीम 237 का पीछा करते हुए लड़खड़ा जाती है, तो क्या वर्ल्ड कप में इस खिलाड़ी पे दांव लगाया जा सकता है, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय टीम मैनेजमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि आप क्या इस खिलाड़ी के अलावा किसी और खिलाड़ी पे भरोसा जता सकते हैं या नहीं। युवराज सिंह शानदार फॉर्म में तो नहीं कहूँगा कि शानदार फॉर्म में है और उनको टीम में वापस ला देना चाहिए, उससे भारतीय टीम की स्थिति सुधर जाएगी चौथे नंबर पे, क्योंकि युवराज सिंह का भी जो लगातार बातें होती, फैंस भी कहते हैं कि युवराज सिंह को क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है, युवराज सिंह को लाओ, यहाँ पे सुरेश रैना को लाओ, लेकिन युवराज सिंह को भी सोचना होगा कि अगर वो वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं तो उनको भी अपनी परफॉर्मेंस में सुधार करने की ज़रूरत है। शायद मुश्ताक अली T20 में भी उनका बल्ला कुछ खास कमाल नहीं कर पा रहा है, इसी की वजह से भारतीय टीम युवराज सिंह की दिशा में सोच भी नहीं रही है। अंबती रायडू से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि काम जरूर चलाया जा रहा है, किसी मैच में चल गए तो ठीक है, अगर नहीं चले तो आप फिर से पांचवें और छठे नंबर पे आके आपकी घड़ी रुक जाती है कि अगर यहाँ के जो दो बल्लेबाज हैं वो अगर बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो भारतीय टीम की नैया डूब जाएगी, या तो आप टॉप ऑर्डर के भरोसे हो, नहीं तो आप ऐसा कह सकते हैं जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी और केदार जाधव की हमें पार्टनरशिप देखने को मिली पहले वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हैदराबाद में खेला गया, 141 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप थी और वहाँ से भारतीय टीम को मैच जिताया, दो ओवर शेष रहते, तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन सोचना चाहिए अंबती रायडू को भी कि वो किस तरीके से अपने परफॉर्मेंस में सुधार ला सकते हैं, जो टीम भरोसा जताई है कि आप सिर्फ वनडे मुकाबले खेल रहे हो तो आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा, यहाँ पे आप ऐसी गलती नहीं कर सकते जो अभी तक करते आए हैं। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, जो भी अपडेट्स होंगे उसके साथ हम बने रहेंगे, आप हमारे नेक्स्ट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।